नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजधानी जयपुर के कालवाड़ क्षेत्र में पत्रकारों पर हुए हमले का मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। न्याय की मांग करते हुए पत्रकारों व उनके परिजनों की ओर से कालवाड़ थाने के सामने लगातार 9वें दिन भी धरना जारी रहा। 9वें दिन प्रदर्शन कर रहे लोगों की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी सहित सभी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। जो 20 हमले में जो साजिश करता थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो परिवारजनों और पत्रकार भाइयों के परिवारों ने नहीं, और हमारी कमेटी ने निर्णय लिया था कि प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हम आज 90 दिन जो लगातार धरना चालू है कालवाड़ थाने के सामने, आज हम यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं जिससे कि पत्रकारों को भाइयों को न्याय मिल सके और प्रशासन और सोया हुआ शासन और प्रशासन जगे और हमारे पत्रकार भाइयों को न्याय मिले। और इन पत्रकार भाइयों की लड़ाई में लगातार जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पुलिस कमिश्नरेट जयपुर पश्चिम के कालवाड़ थाने के सामने लगातार 90 दिन से धरना चालू है। देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है, इस शासन के दबाव में कार्य कर रहा है, इसलिए हमने सद्बुद्धि का ये आज एक का 9वां दिन है कि 9 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र का गड़ा घोटा जा रहा है, इससे पत्रकार भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आज प्रशासन सद्बुद्धि का हमने यज्ञ किया है। इस यज्ञ से अगर उनको सद्बुद्धि मिल जाती है और जो साजिश करता अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद में आगे की रणनीति के साथ ये धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। हमारे साथ जयपुर जिला युवा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है अध्यक्ष जी? लगातार 9वें दिन पत्रकारों की न्याय के लिए जो संघर्ष है वो जारी है, आज सद्बुद्धि हवन करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार हम 9 दिन से यहाँ धरना देके बैठे हैं और जो हमारे तीनों पत्रकार भाइयों पर जो प्रशासन और शासन जिस तरीके से उन पर दिन दहाड़े ऐसी वारदात हुई, लेकिन शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। देखिए, ये सद्बुद्धि हवन प्रशासन की जो नकारा हरकतें हैं, एक सरपंच को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, उसके लिए शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। और साथ ही ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि तीनों पत्रकार भाइयों को जल्द से जल्द स्वस्थ रहे और हमारे बीच में आए। इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ सकती है और ये तो तय हो चुका है कि कालवाड़ सरपंच की गिरफ्तारी जरूर होगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है। जैसा मैंने अभी कहा कि न्याय की लड़ाई लंबी लड़नी पड़ सकती है और हम अगर सरपंच की गिरफ्तारी नहीं होती आज शाम तक, तो हम इस आंदोलन को कल अलग रुख देके और कालवाड़ में सरपंच और यहाँ के स्थानीय विधायक लालचंदी कृषि में। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।